संरक्षण के पक्ष में अगला आर्थिक तर्क है सूर्यास्त उद्योग तर्क यह संरक्षण का बहुत नवीन तर्क है जो यूरोप में उत्पन्न हुआ 1970 में कुछ स्थापित श्रम गहन उद्योग जैसे इस्पात वस्तुएं कपड़े जूते आदि उत्पादित कर रहे यूरोपीय देश प्रतियोगिता में जापान ताइवान मलेशिया कोरिया भारत और अन्य पूर्वी एशियाई देशों से पीछे रह गए इस तर्क का मतलब है कि यूरोप के ऐसे परिपक्व उद्योगों पर सूर्य अस्त हो रहा था इसलिए उन्हें अस्थायी संरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे उन्हें पुनः ठीक ठाक करके पुनः प्रतियोगिता प्राप्त कर सकें संरक्षण के बिना ऐसे उद्योगों में श्रम और पूंजी का विस्थापन होगा वास्तव में इसी कारण यूरोपीय देशों में टेक्सटाइल कपड़े जूते और ऐसी वस्तुओं पर आयात टैरिफ लगाए गए हैं फिर भी आलोचकों का कहना है कि ऐसे देशों में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए यह एक राजनीतिक तर्क है यदि ऐसे उद्योगों को संरक्षण दिया गया तो उन पर से टैरिफ हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगला तर्क है कूटनीतिक व्यापार तर्क कूटनीतिक व्यापार तर्क विकसित देशों में उच्च टेक्नोलॉजी उद्योगों के विकास पर आधारित है जिन्हें विदेशी प्रतियोगिता के कारण संरक्षण की आवश्यकता होती है यह तर्क दिया जाता है कि सूचना टेक्नोलॉजी टेलीसंचार कंप्यूटर आदि पूंजीगहन आर एन तथा उच्च जोखिम वाले आधुनिक उद्योगों के क्षेत्रों में बड़ी बाह्य मित्वयताएँ प्राप्त होती हैं और देश के लिए अधिक वृद्धि की आशाएँ इसलिए उन्हें अन्य प्रतियोगी देशों पर तुलनात्मक लाभ प्राप्त करने हेतु संरक्षण देने की आवश्यकता होती है इस तरह यह अल्प विकसित देशों के लिए शिशु उद्योग तर्क के समान है। परंतु इस नीति की कुछ सीमाएं हैं प्रथम ऐसे उद्योगों के लिए कसौटियां रखना और उनको चुनना बहुत कठिन होता है विशेषकर जिनकी बाह्य मित्वयताएँ है होती हैं दूसरे उचित नीतियों का निर्माण भी एक समस्या है तीसरे सभी विकसित देशों ने एक साथ ही कूटनीतिक व्यापार अपना लिया है चौथा यदि कोई देश इस नीति को अपनाने में सफल भी हो जाता है तो ऐसे ऐसा अन्य देशों की लागत पर होता है जो प्रतिशोधात्मक नीति अपनाएंगे अगला तर्क है राष्ट्रीय संसाधनों की रक्षा का तर्क जो देश खनिज और कच्चे माल निर्यात करते हैं उन्हें यह भय सदैव रहता है कि उनके निर्यात खनिज और कच्चे माल को अंततः समाप्त कर देंगे इसलिए कोयला बक्साइट लोहा आदि समाप्त होने वाले राष्ट्रीय संसाधनों को देश के भविष्य के विकास के लिए बचाकर रखना आवश्यक है ऐसा ऊंचा निर्यात शुल्क लगाकर उनके निर्यात कम कर दिए जाते हैं अगला तर्क है भुगतान शेष तर्क विशेषकर यह अल्पविकसित देशों के लिए संरक्षण का एक महत्वपूर्ण तर्क है टैरिफ अनावश्यक वस्तुओं का आयात रोकने में सहायक होता है तथा भुगतान शेष घाटे को कम करने का प्रयत्न करते हैं वे विदेशी मुद्रा को बचाने में सहायता करते हैं जिसका निर्यात क्षेत्र और आयात स्थानापन्न उद्योगों के लिए आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं आयात करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है आगे निर्यात और आयात स्थानापन्न उद्योगों के प्रसार से देश में रोजगार और आय में वृद्धि होती है आय बढ़ने से बचतों और ऋण योग्य निधियों में वृद्धि होती है जो ब्याज दर को कम करते हैं और निवेश को प्रोत्साहन देते हैं परिणाम स्वरूप अधिक रोजगार और आय का सृजन होता है अगला तर्क है साधन आय पुनर्वितरण तर्क एक अन्य तर्क जो विशेष तौर से अल्पविकसित देशों के साथ संबद्ध है वह है आय का पुनर्वितरण करना ऐसे देशों में कम आय वाला एक विस्तृत श्रम गहन क्षेत्र और ऊंची आय वाला एक छोटा पूंजी गहन क्षेत्र होता है दूसरा क्षेत्र मुख्य तौर से आयातों पर निर्भर करता है यह तर्क दिया जाता है कि इस क्षेत्र के आयातों पर टैरिफ लगाने से श्रम गहन क्षेत्र के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा जहां वास्तविक आय बढ़ेगी दीर्घ काल में उत्पादन के साधन पहले से दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे परंतु पूंजी गहन क्षेत्र कम श्रम और अधिक पूंजी को छोड़ेगा जिससे फैल रहा श्रम गहन क्षेत्र खपाना चाहेगा इससे श्रम गहन क्षेत्र में मजदूरी और बढ़ेगी साथ ही पूंजी गहन क्षेत्र में मजदूरी बढ़ेगी क्योंकि उत्पादक श्रमिकों को पहले क्षेत्र में चले जाने को कठिनाई से रोक पाएंगे अंततः दोनों उद्योग बराबर मजदूरी देंगे इस प्रकार टैरिफ दीर्घकालीन वृद्धि प्रक्रिया में साधन आमदनियों को बराबर कर देते हैं अगला तर्क है राजस्व तर्क सरकार के लिए राजस्व पैदा करने तथा विदेशी प्रतियोगिता से घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए टैरिफ लगाए जाते हैं अल्पविकसित देशों में राजस्व इकट्ठा करना आयात और निर्यात टैरिफ का मुख्य उद्देश्य होता है परंतु यह सही तर्क नहीं है क्योंकि इस तरह से राजस्व बढ़ाना घरेलू उद्योगों पर संरक्षण का उप परिणाम है यदि ऐसी सरकारें टैरिफ पर राजस्व के स्रोत के रूप में निर्भर होती हैं तो इससे कुछ कुप्रभाव भी हो सकते हैं यदि आयातित वस्तुओं की मांग काफ़ी बेलोच है तो टैरिफ अधिक राजस्व ला सकते हैं इसके विपरीत अत्यधिक लोचदार मांग होने पर टैरिफ व्यापार को बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं और सरकारी राजस्व कम हो सकता है इसी प्रकार निर्यात पर कर निर्यातों की बिक्री कम कर देते हैं जिससे भुगतान शेष की कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं इन कमियों के बावजूद अल्प विकसित देश टैरिफ को राजस्व बढ़ाने के लिए प्राथमिकता देते हैं क्योंकि इनका लगाना आसान होता है और अन्य प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करों की अपेक्षा इनका एकत्रित करना कम महंगा होता है परंतु टैरिफ दरें इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए कि वे देश के लिए हानिकारक हों जहां तक घरेलू आयातकों और विदेशी निर्यातकों पर आयात टैरिफ के भार की बात है यह वस्तुओं की मांग और पूर्ति की कीमत लोचों पर निर्भर करता है यदि आयातों के लिए मांग सापेक्षतया लोचदार है और निर्यातों की पूर्ति सापेक्षतया बेलोच है तो टैरिफ का मुख्य भार विदेशी निर्यातकों पर पड़ेगा यदि आयातों की मांग सापेक्षतया बेलोच है और निर्यातों की पूर्ति सापेक्षतया लोचदार है तो मुख्य भार आयातकों को उठाना पड़ेगा अब यहाँ प्रश्न यह है कि टैरिफ की विशेष दर क्या है जो टैरिफ राजस्व को अधिकतम करती है क्या इष्टतम टैरिफ टैरिफ राजस्व को अधिकतम करता है इन प्रश्नों के उत्तर ये हो सकते हैं कि प्रथम अधिकतम टैरिफ राजस्व दर है दूसरा इष्टतम टैरिफ टैरिफ राजस्व को अधिकतम नहीं करता क्योंकि यह अधिकतम टैरिफ राजस्व दर नहीं है अगला तर्क है